तो ओके गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल अशोक एडिटिंग। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, तो जी हाँ गाइस, आज के इस न्यू वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन से फोटो को एडिट करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, काफ़ी टूल्स जो लाइटरूम एप्लीकेशन के हैं उनको आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि इजी स्टेप में आप लोग लाइटरूम से फोटो को कम्प्लीट एडिट कैसे कर सकते हो, वो भी दोस्तों फेस स्मूथ भी। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो यूजर आईडी आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल रही है, तो जाइएगा फॉलो कीजिएगा। वहां पर मैं अच्छे अच्छे पोस्ट, वीडियो पोस्ट और रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट, लेट गेट स्टार्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो भी फोटो हो, जो भी आप लोगों को नॉर्मल सा फोटो हो, उसको आप लोगों को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। तो यहां से मैं शेयर कर लेता हूं लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास लाइटरूम एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड है, तो यहाँ से हम लोग लाइटरूम एप्लीकेशन को फोटो को यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हो जो हमारा नोटिस है, नोटिस भी आ चुका होगा, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है कि लाइटरूम एप्लीकेशन में हमारा जो फोटो है वो शेयर हो चुका है, यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन को आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, लाइटरूम का फ्री वर्जन आप लोग और सारे टूल्स अनलॉक कहाँ से डाउनलोड, ये एप्लीकेशन आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, जो जिसमें दोस्तों आप लोग फेस भी स्मूथ कर सकते हो। तो वो वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा कि कहाँ से आप लोगों का लाइटरूम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, अपने फेसबुक अकाउंट से भी लॉगिन कर लेना है और फोटो को एंटर कर लेना है, जैसा कि गाइस मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो एंटर हो चुका है, इसको आप लोगों को फटाफट इसे इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गाइस, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, जो इंस्टाग्राम का साइज है उसमें आप लोगों को क्रॉप कर लेना है। तो यहां पर क्रॉप का बटन आप लोग देख सकते हो दोस्तों, और दोस्तों यहां पर कस्टम पर क्लिक करना है। और कस्टम पर क्लिक करने के बाद में यहां पर 4:5 का जो रेशियो है वो दोस्तों इंस्टाग्राम का रेशियो होता है, उसको सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से और ऊपर से कर देना है आप लोगों को डन। तो हमारा जो फोटो है वो दोस्तों इंस्टाग्राम साइज में हो चुका है। अब गाइस, यहां पर क्या करना है, तो नेक्स्ट आप लोगों को करना क्या है, यहां पर सबसे पहले हम लोग करेंगे लाइटिंग को फिक्स। तो यहाँ पर जो सनलाइट जैसे देखने को मिल रहा है इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप लोगों को हल्का सा एक्सपोजर को इंक्रीज कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा आप लोगों को इंक्रीज कर देना है, यहाँ पर 27 कॉन्ट्रास्ट रख लेना है, और हाईलाइट पर क्लिक करना है, हाईलाइट को भी इंक्रीज कर लेना है 40। अपने आप लोगों को फोटो के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को करना है जैसा आप लोगों को ठीक लगे। तो यहाँ पर शेडो जो है वो शेडो को आप लोगों को हल्का सा माइनस की ओर रख लेना है, वाइट को भी आप लोगों को माइनस की ओर रख लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद गाइस, अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर ब्लैक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ब्लैक को हल्का सा माइनस की ओर कर रख लेना है इस तरीके से। और अब आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर का ऑप्शन देखने को मिला है, टेम्परेचर टूल्स पर क्लिक कर देना है, जहाँ से गाइस हम लोग कलर को एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके का जो ऑप्शन देखने को मिले, तो इस पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ऊपर की ओर मिक्स कलर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जो सबसे पहला कलर है वो दोस्तों रेड कलर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो पहला कलर है वो रेड है। तो यहाँ पर आप लोग इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो ऑंट है वो दोस्तों हल्के से पिंक से हो चुके हैं। तो और इसका जो लुमिनेंस है उसको हल्का सा माइनस की ओर रख लेते हैं, यहाँ पर 4% रख लेते हैं। उसके बाद गाइस, अब आप लोगों को यहाँ पर ऑरेंज वाले टूल्स पर क्लिक कर देना है। ऑरेंज वाले कलर पर क्लिक करने के बाद में इसका सैचुरेशन आप लोग माइनस की ओर रख लेना है और लुमिनेंस को आप लोग बढ़ा देना है, इससे हमारा जो फेस है वो दोस्तों ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। उसके बाद दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर येलो कलर को सेलेक्ट कर लेना है। उसका येलो कलर को सेलेक्ट कर लेने के बाद में दोस्तों इसका सैचुरेशन आप लोग माइनस की ओर रख सकते हो और लुमिनेंस को आप लोग बढ़ा भी सकते हो, ह्यू को भी बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप लोगों को जो भी कलर को एडजस्ट करना है वो आप लोगों को यहाँ से रख लेना है। उसके बाद दोस्तों ग्रीन कलर पर क्लिक करेंगे, इसका सैचुरेशन आप लोगों को कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है और लुमिनेंस को आप लोग बढ़ा के देना, अगर ह्यू को आप लोगों को कम रखना है तो इस तरीके का कलर हो जाएगा, और ह्यू को अगर बढ़ा के रखना है तो इस तरीके का कलर हो जाएगा। तो आप लोग जो भी कलर रखना है उसको आप लोगों को यहाँ से करके देख लेना है कि कौन सा हमें कलर रखना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाले कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका 100 जो ह्यू है उसको भी 100 रख लेता हूँ एंड सैचुरेशन को भी 100 रख लेता हूँ। उसके बाद लुमिनेंस को आप लोगों को हल्का सा 6% माइनस की ओर रख लेना है। उसके बाद साइन कलर पर क्लिक करना है, साइन कलर का सैचुरेशन है वो दोस्तों माइनस कर देना है एंड ह्यू को आप लोगों को प्लस की ओर रख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ब्लू कलर को आप लोग अपने अकॉर्डिंग रखिएगा जितना आप लोगों को ठीक लगे। तो यहाँ पर ब्लू को मैं कुछ इतना रख देता हूँ एंड अब आप लोगों को इस वाले कलर को पर्पल वाले कलर पर क्लिक करना है और इसका जो सैचुरेशन है माइनस की ओर रख लेते हैं। और बस गाइस, यहाँ पर और भी कलर आप लोगों का जो फोटो में है वो और कलर नहीं है, तो फिलहाल मैं इतने ही कलर रहने देता हूँ।
और ऊपर से कर देता हूँ डन। डन करने के बाद में गाइस अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर वाइब्रेंस का ऑप्शन देखने को मिला है, वाइब्रेंस को आप लोगों को बढ़ा लेना है और सैचुरेशन को यहाँ पर 8% रख लेना या 10% भी रख सकते हो। तो फिलहाल मैं इतना रख लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि टिंट को भी आप लोग माइनस की प्लस की ओर करके देख लेना है, अगर आप लोग जो भी कलर ठीक लगे उतना रख लेना है। मैं यहाँ पर दोनों को टिंट और टेम्प्ट को प्लस की ओर रख देता हूँ और यहाँ पर 0% दोनों को रख लेता हूँ। उसके बाद गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फेस को स्मूथ करेंगे। तो स्मूथ आप लोगों को कैसे करना है, तो यहाँ पर जो आप लोगों को जो अनलॉक लाइटरूम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उनमें सारे ये टूल्स आप लोग अनलॉक ही मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे वाला टूल्स, इस वाले टूल्स पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप लोग इस वाले टूल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे की ओर प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है और यहाँ पर ब्रश वाला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ब्रश आप लोग देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ब्रश का जो साइज है आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखने को मिल रहा है, इसका साइज आप लोगों को 10% या 11% रख लेना है, अपने फोटो के अकॉर्डिंग आप लोगों को रख लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे आप लोगों को टूल्स देखने को मिल रहा है इसका, दोस्तों इसको आप लोगों को 100% रख देना है, ह्यू को और फ्लो को भी आप लोगों को 100% रखना है। और इस तरीके से आप लोगों अपने फेस पर आप लोग ब्रश कर लेना है, जहाँ जहाँ आप लोगों की स्किन हो उस पर आप लोग कर लेना है। तो फटाफट हम लोग इस काम को कर लेते हैं और आगे का आप प्रोसेस आप लोगों को बताते हैं। तो जैसा कि गाइस यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सारी स्किन पर मैंने इस जो ब्रश को कर लिया है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को एक टूल्स देखने को मिल रहा है शार्पनिंग का, इस पर क्लिक करना है। नॉइज़ को आप लोग माइनस की ओर रख लेना है, शार्पनिंग को भी आप लोगों को माइनस की ओर रख लेना है। उसके बाद एफएक्स वाले टूल्स पर क्लिक करना है, इसका टेक्चर आप लोगों को माइनस की ओर रख देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस है वो दोस्तों स्मूथ हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसको प्लस की ओर रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड माइनस की ओर रखेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर क्लैरिटी को आप लोगों को प्लस की माइनस की ओर रख लेना है और जो डेज का है उसको आप लोग प्लस की ओर रखोगे तो आप लोगों का ब्लैक हो जाएगा एंड माइनस की ओर रखोगे तो फेस अपना आप ब्राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा फेस है ब्राइट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग करना है और ऊपर से आप लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे हेयर्स हैं वो दोस्तों हल्के से यहाँ पर ब्लैक बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको भी आप लोगों को कैसे करना है कि इस वाले टूल्स पर क्लिक करना है, ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग इस तरीके से हेयर्स पर सारे हेयर्स पर आप लोगों को इस तरीके से ब्रश को फिल कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों अब आप लोगों एफएक्स वाले टूल्स पर क्लिक करना है, टेक्सचर को इंक्रीज कर देना है, क्लियरिटी को इंक्रीज कर देना है और डेज को आप लोगों हल्का सा प्लस की ओर रख लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर टूल पर क्लिक करना है और इसका सेचुरेशन आप लोगों माइनस की ओर रख देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो हेयर्स है वो दोस्तों ब्लैक हो चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ऊपर से कर देना है डन। डन करने के बाद में अगर आप लोगों फेस पर आप लोगों कोई सा पिंपल्स वगैरह हो तो इस वाले टूल्स पर हीलिंग वाले टूल्स पर क्लिक करके आप लोग पिंपल्स वगैरह को भी रिमूव कर सकते हो। तो अब गाइस हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोगों को इतना करने के बाद में यहाँ पर टेम्परेचर टूल पर क्लिक करना है और यहाँ पर मिक्स वाले कलर पर, सॉरी गाइस यहाँ पर कलर ग्रेडिंग वाले कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस वाले कलर को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर हाईलाइट दोस्तों आप लोग शो हो रहा है। उस पर क्लिक करने के बाद में आप लोगों को कुछ इस तरीके से हाईलाइट को भी इंक्रीज कर देना है और यहाँ पर इस वाले मिड पॉइंट को क्लिक करके आप लोग मिड पॉइंट भी आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है जो आप लोगों को ठीक लगे इस तरीके से, और ऊपर से आप लोगों को डन कर देना है। डन करने के बाद में यहाँ पर वाइब्रेंस को भी आप लोग बढ़ा घटा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप लोगों को जो भी जितना भी रखना है उतना आप लोग रख सकते हो। अब गाइस आप लोग क्या करना है, यहाँ पर एफएक्स वाले टूल्स पर क्लिक करना है और इसका टेक्सचर आप लोग इंक्रीज कर देना है, क्लियरिटी को भी इंक्रीज कर देना है और डेज को आप लोगों को प्लस या माइनस की ओर करके देख लेना है। तो हल्का सा हम लोग प्लस की ओर रखते हैं एंड विग्नेट पैनल को आप लोगों को माइनस की ओर रख देना है कुछ इस तरीके से एंड मिड पॉइंट को भी माइनस की ओर रख देना है, फैदर को इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर एडिट हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर आप लोग शार्पनिंग पर क्लिक करके हल्का सा शार्पनिंग इंक्रीज कर देना है और इस वाले नेक्स्ट वाले टूल पर क्लिक करके इन दोनों बटन को आप लोगों ऑन कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो दोस्तों कंप्लीट पहले से यहाँ पर कितना अच्छा लगने लगा है। तो इस तरीके से आप लोग कलर ग्रेडिंग करके और सारे यहाँ पर कलर को यूज़ करके आप लोग इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अच्छे फोटो को एडिट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर अब आप लोगों को बता देता हूँ कि लाइटरूम एप्लीकेशन का प्रीमियम वर्जन आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर गूगल पर आप लोगों को जाना है, गूगल पर सर्च करना है एपीके डन साइट को। तो यहाँ पर apkdone.com हम लोग साइट को सर्च कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो साइड है वो ओपन हो चुका है। पहला वाला साइड आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का ऊपर सर्च बार ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्च में क्लिक करना है लाइटरूम।
तो यहाँ पर लाइटरूम सर्च करने के बाद में आप लोग सर्च मार देना। सर्च मारने के बाद में आप लोग सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर बैक कर देते हैं, थोड़ा सा रिलोड लेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लाइटरूम एप्लीकेशन का प्रीमियम वर्जन है वो दोस्तों लिखा है ऊपर, प्रीमियम अनलॉक, सारे फीचर्स आप लोगों को इसमें अनलॉक मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में दोस्तों आप लोग सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड एपीके का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे गाइज आप लोग क्लिक करोगे, क्लिक करते ही नीचे आप लोग आ जाना है। जो आप लोगों को लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन है वो दोस्तों यहाँ पर 8.8 का जो वर्जन है वो दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप लोगों को और भी एप्लीकेशन चाहिए तो नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये लेटेस्ट वर्जन। सबसे पहला लेटेस्ट वर्जन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये वाला लेटेस्ट वर्जन है। तो इस पर आप लोग क्लिक करके यहाँ से आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऊपर जो फाइल है वो दोस्तों हमारा डाउनलोड शो होने लगा है। तो इस तरीके से हमारा पहले से डाउनलोड है तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लाइटरूम का प्रीमियम वर्जन है वो दोस्तों इजी स्टेप में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगली ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।